तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राइड ब्रदर्स इंडिया। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि एक ब्लूटूथ कंट्रोल कार कैसे बनाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए इन सारे कंपोनेंट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले कोई सा एक बोर्ड लेके इस तरह का शेप दे देंगे। फिर 104 नंबर के सेरामिक कैपेसिटर को मोटर के दोनों टर्मिनल पर सोल्डरिंग कर देंगे, जिससे मोटर स्मूथली चलेगा और हमारे सर्किट को कोई नुकसान नहीं होगा। फिर हम दो वायर लेंगे और मोटर के दोनों टर्मिनल पर सोल्डरिंग कर देंगे। फिर मोटर में व्हील्स इस तरह लगा के मोटर को फेविक्विक के मदद से इस बोर्ड पर फिक्स कर देंगे। फिर ग्लू गन से अच्छे से चिपका देंगे, जिससे इसमें थोड़ी और मजबूती आ जाएगी। इस तरह हम दोनों मोटर को फिक्स कर देंगे। फिर आगे के व्हील्स को इस तरह लगा लेंगे। फिर हम मोटर ड्राइवर्स को बोर्ड में फिक्स कर देंगे। फिर दोनों मोटर के वायर्स को इस मोटर ड्राइवर में फिक्स कर देंगे। इस प्रोजेक्ट की कंप्लीट सर्किट डायग्राम और कोड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फिर हम आर्डिनो नानो के एक्सटेंशन बोर्ड को इस बोर्ड में फिक्स कर देंगे। आप आर्डिनो नानो के रिप्लेस में आर्डिनो उनो या आर्डिनो मेगा भी यूज कर सकते हैं। फिर हम पावर सप्लाई के वायर्स को कनेक्ट करेंगे। फिर हम SC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल को आर्डिनो नानो में कनेक्ट कर देंगे। ब्लूटूथ मॉड्यूल के RX पिन को आर्डिनो नानो के TX पिन में और ब्लूटूथ मॉड्यूल का TX पिन को आर्डिनो नानो के RX पिन में लगा देंगे। फिर ब्लूटूथ मॉड्यूल को भी डबल साइड टैप के मदद से इस बोर्ड में फिक्स कर देंगे। फिर मोटर ड्राइवर को आर्डिनो से कनेक्ट कर देंगे। Thank you.
फिर हम प्रोग्रामिंग करेंगे। अभी हम पीसी के हेल्प से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आप मोबाइल से भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो हम पीसी में जाके इस कोड को ओपन कर देंगे, फिर आर्डिनो नानो को इस पीसी के साथ कनेक्ट करेंगे, फिर टूल्स में जाके आर्डिनो बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद फिर पोर्ट को जाकर पोर्ट सिलेक्ट करेंगे, फिर अपलोड कर देंगे। अपलोड कर देने के बाद बैटरी को इस कार में कनेक्ट करेंगे, फिर प्ले स्टोर से ब्लूटूथ आरसी कंट्रोल नाम का एक ऐप इंस्टॉल कर देंगे, फिर हमारा मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करके इस ऐप को ओपन कर देंगे, इस सेटिंग का आइकॉन में जाके ब्लूटूथ को सिलेक्ट करके कनेक्ट कर देंगे। जब इस ऐप ब्लूटूथ आरसी कार से कनेक्ट हो जाएगा, फिर हम इस ऐप के मदद से कार को कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह आप इसे घर पे बनाकर ट्राई कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।